एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 का हम हिंदी सॉल्व कर रहे थे और वो चैप्टर था 3, जिसका नाम है टोपी शुक्ला। तो हम टोपी शुक्ला चैप्टर का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसके पहले वाले वीडियो में डन कर चुके हैं, तो अभी हम 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे अभी मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका हिंदी पेपर का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व होता रहे। हालाँकि 10 का एग्ज़ाम आने ही वाला है, 2 महीने रह गए, मार्च में आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोपी शुक्ला चैप्टर का 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसके लेखक हैं, टोपी शुक्ला चैप्टर के लेखक हैं राही मासूम रजा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखा है। इस कहानी में उन्होंने दो मजहब के लोगों की दोस्ती के बारे में देखिए क्या क्या दर्शाया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है, इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। चलिए जानते क्यों नहीं कर पाई। इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि दादी का विवाह एक मौलवी परिवार में हुआ था और मौलवियों में शादी विवाह के समय जश्न मनाने या गाने बजाने का रिवाज नहीं था। क्वेश्चन था, इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई। तो आंसर हमारा यह है कि इफन की दादी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनकी शादी एक मौलवी परिवार में, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि उस कहानी में क्या बताया गया। तो इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि उनकी एक मौलवी परिवार में शादी होता और मौलवी परिवार में हालाँकि जश्न नहीं मनाए जाते हैं, तो इसीलिए उनके बेटे की उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई कि अपने बेटे को गाने बजाने के साथ शादी करें। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी अम्मी शब्द सुन के उनके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो चलिए आंसर क्या होगा इसका, कि टोपी शुक्ला के घर वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द म
मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना गया, तब घर वालों के होश उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवार डोलने लगी, उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गई। टोपी के चेहरे पर जम गई। उनकी संस्कृति के विरोधी विपरीत शब्द घर में कैसे आ गया, जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफन के घर से सीखा है, तो उसकी माँ और दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई की। तो उसकी माँ और दादी ने उसकी जमकर पिटाई की। थोड़ा सा जगह शॉर्टेज होने की वजह से ऐसे हो गया। मैं यहाँ से पढ़ लूँगी ना, फिर वो लाइन आपको लिख के दिखा दूँगी, अगर साफ नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है तो। देखिए, टोपी शुक्ला क्या था, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों ने क्या प्रतिक्रिया की। देखिए, टोपी शुक्ला के घर वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना गया, तब घर वालों के होश उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवार डोलने लगी, उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आँखें टोपी के चेहरे पर जम गई। उनकी संस्कृति के विपरीत
मैं थोड़ा ऐसे कर दी ताकि आपको समझ में आए। उनके संस्कृति के विपरीत, रुके एक सेकेंड, उनकी संस्कृति के विपरीत शब्द घर में कैसे आ गया? जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इफन के घर से सीखा है, तो उसकी माँ और दादी ने उसकी जमकर पिटाई की। जमकर पिटाई की, ये जम क र पिटाई की। ये हो गया आपका फोन नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, प्रश्न नंबर पाँच, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन जो था वो टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो चलिए आइए आंसर जानते हैं। 10 अक्टूबर सन 1945 का वैसे तो कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन यह दिन टोपी के जीवन में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी तारीख को इफन के पिता को तबादला यानी बदली, इस जगह से दूसरी जगह, मुरादाबाद में हो गया था। यह तबादला इफन की दादी के देहांत के थोड़े दिनों बाद ही हुआ था। अब टोपी बिल्कुल बिल्कुल अकेला हो गया था। क्योंकि इफन के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटे में से किसी ने भी उससे दोस्ती नहीं की थी। हो गया प्रश्न नंबर 5, क्या था?
10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो उत्तर है 10 अक्टूबर सन 45 का वैसे तो कोई भी महत्व नहीं, हमारे लिए कोई महत्व नहीं, आम जन आम नहीं है आम लोगों के लिए, लेकिन यह दिन टोपी के जीवन में सबसे विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसी तारीख को इफन के पिता का तबादला मुरादाबाद में हो गया था। यह तबादला इफन की दादी के देहांत के बाद हुआ था, थोड़े ही दिनों बाद हो गया था। अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था क्योंकि इफन के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर के तीनों बेटे में से किसी ने भी उससे दोस्ती नहीं की, यानी उनके घर में जो आए वो इफन से बिल्कुल बात नहीं करते थे, तो इसलिए उसके लिए वो दिन बहुत ही अलग दिन था, याद रखने वाला। सो इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन था, हमने 3 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तब तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू।